हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चलिए आज ये बिस्किट्स बनाते हैं, और इनको बनाने के लिए बहुत ही अलग से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है, आपके किचन में आसानी से मिल जाएंगे सारे इंग्रेडिएंट्स, और बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से ये तैयार हो जाता है। और देखिए, बिल्कुल मुँह में घुल जाने वाले हैं ये बिस्किट, और इतने यमी लगते हैं, और साथ ही इनके जो अलग अलग शेप्स हैं ना, वो बच्चों को बहुत पसंद आने वाले हैं। बिस्किट बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग लेंगे एक कटोरी मैदा, इसके बाद इसमें डालेंगे आधी कटोरी बेसन। तो मैदे और बेसन का यही रेशियो रहेगा कि जितना मैदा रहेगा उसका आधा हिस्सा रहेगा बेसन का। इसके बाद इसमें आधी कटोरी पिसी हुई चीनी डाल देंगे। चीनी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आधी कटोरी से कम यहाँ पे हम लोग घी डाल रहे हैं। आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा घी या बटर जो भी यूज़ करें वो मेल्ट नहीं होना चाहिए, आपको इसी तरीके से जमा हुआ लेना है। इसके बाद बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब चुटकी भर से थोड़ा ऊपर इसमें डाले हैं हम नमक। नमक इसलिए डाले हैं ताकि ये जो इसकी मिठास है वो बैलेंस रह सके। और इसके बाद हम लोग डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, और इसको हम लोग थोड़ा सा बिस्किट बनाने के लिए जो आप डो बोल सकते हैं उस तरीके से जो तैयार करेंगे, उसके लिए ना तो हम लोग पानी का यूज़ करेंगे, ना तो हम लोग दूध का यूज़ करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस घी की मदद से ही इसको हमें तैयार करना है। तो अगर आपको लगता है कि घी थोड़ा कम है तो आप थोड़ा सा और घी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको अच्छे से मसलना है, और ये देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से ये तैयार हो गया है। इसी तरीके से हमें बिस्किट बनाने के लिए जो ये डो तैयार करना है, इसी तरीके से तैयार करना है। इसमें दूध और पानी किसी चीज़ का भी यूज़ नहीं होगा। ये देखिए अच्छे से बनना शुरू हो गया है। बिल्कुल इस तरीके से ही हमें ये डो तैयार करना है, सिर्फ और सिर्फ घी की मदद से। और ये खाने में इतना टेस्टी लगता है, इतना टेस्टी लगता है कि आप फिर मार्केट से बिस्किट वगैरह लाना भूल जाएंगे अगर आप एक बार इसको बना लेंगे तो। और बहुत ही आसानी से बन जाता है, सारी चीज़ें आपको किचन में आसानी से मिल जाएंगी, और बहुत कम टाइम में ये तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से इसको अच्छे से मसल मसल के हम लोग तैयार कर लेंगे एक डो के तरीके से। और अगर आप मैदे के जगह आटा यूज़ करना चाहते हैं तो आप आटा भी यूज़ कर सकते हैं, और वो भी इतना ही टेस्टी बनेगा। तो चलिए अब बिस्किट के शेप्स तैयार कर लेते हैं। और बिस्किट में ऊपर से डेकोरेट करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे हमने पिस्ता लिया है, थोड़ी सी चीनी ली है, और यहाँ पे ये लिए हैं दूध, और थोड़ा सा चीनी का पाउडर, मतलब शुगर पाउडर वो है, उसको मिक्स करके रख लिए हैं। तो इस तरह से कोई भी मेजरिंग स्पून ले लीजिए, मतलब इससे क्या होगा कि आपके सारे बिस्किट जो हैं एक साइज़ के बनेंगे। और यहाँ पे तो मैंने बहुत सारे साइज़ बनाए हैं, अलग अलग शेप दिए हैं, लेकिन ये है एक मेजरमेंट कि अगर आप इस तरह से कुछ भी एक स्पून ले लेते हैं या कुछ भी, तो उससे आपके जो भी मतलब बिस्किट के साइज होंगे वो एक जैसे रहेंगे, देखने में भी बहुत सुंदर लगेंगे। लेकिन बच्चों को पसंद आते हैं अलग अलग शेप से, तो इसलिए मैंने बहुत सारे शेप्स के बिस्किट तैयार किए हैं। तो आप सारे डिज़ाइंस आप देख सकते हैं, मैंने जितने भी बनाए हैं थोड़ा थोड़ा आपके साथ सब शेयर किया है। और अगर आपको ये बिस्किट की रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इस तरह से देखिए लोई बनाए हैं, उसके बाद उसको थोड़ा चिपटा कर दिए हैं, और उसके बाद इस तरह से किसी भी ढक्कन के मदद से आप ऐसे जैसे गुड्डे वाले बिस्किट के शेप्स होते हैं ना, उस तरह से आप शेप दे सकते हैं। तो ये देखिए सारे अलग अलग शेप्स मैंने तैयार किए हैं, और इसी तरीके से आप भी बिस्किट्स बनाइए, और अलग अलग जैसे शेप देना चाहते हैं आप बिस्किट्स को वो शेप दीजिए। और सारे शेप बहुत ही सुंदर लग रहे हैं देखने में, और बच्चों को तो ऐसा ही पसंद आता है ना कि अलग अलग चीज़ें हों, अलग अलग शेप्स की हों, और साथ में टेस्ट भी हो, तो ये सब कुछ है उसमें। तो यहाँ पे ये सारे बिस्किट्स हम बनाने वाले हैं माइक्रोवेव में। तो ये ट्रे में सिल्वर फॉइल पेपर लगा के उसके ऊपर ये सारे बिस्किट्स हमने रख दिए हैं। अब इसमें ये दूध और चीनी का जो घोल हमने तैयार किया हुआ था, वो घोल इस तरह से ब्रश की मदद से सारे बिस्किट्स पे लगा देंगे। इससे बिस्किट्स का टेस्ट दुगना हो जाता है। और अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं इन बिस्किट्स को, और सेम उसी तरीके से बनेगा जैसे कि आप केक वगैरह बनाते हैं। आपको 15 से 20
मिनट तो बिल्कुल इसे ढक के अच्छे से बेक होने देना है। उसमें आप एक भी बार इसे ओपन मत करिएगा। और उसके बाद बीच बीच में आप चेक करके देख सकते हैं कि आपके बिस्किट्स अच्छे से हो गए हैं कि नहीं। तो टोटल आपको 20 से 25 मिनट तो लग जाएंगे उसमें बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, ये अच्छे से दूध और चीनी का जो घोल था वो सारे बिस्किट्स पे हमने लगा दिया। उसके बाद ये जो पिस्ते के टुकड़े हैं ये भी थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे इस तरीके से। और डेकोरेट करने का आपका अपना तरीका होगा, जो भी जिस तरीके से आप डेकोरेट करना चाहें अपने बिस्किट्स को आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पिस्ता लगा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, और इसके बाद चीनी जो होती है उनको भी थोड़ा इसके ऊपर बिस्किट्स के ऊपर स्प्रेड कर देंगे, जो कि जब ये बेक हो जाएंगे तो देखने में बहुत ही सुंदर लगने वाले हैं। तो इस तरीके से आप बिस्किट्स को अपने मनचाहे तरीके से डेकोरेट करिए, और जैसा भी आप चाहते हैं उस तरीके से डेकोरेट करिए। बहुत ही अच्छा लगता है देखने में और खाने में भी। तो यहाँ पे इन बिस्किट्स को हम बेक करने वाले हैं माइक्रोवेव में। तो पहले माइक्रोवेव कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री पे 10 मिनट्स के लिए हम लोग माइक्रोवेव को प्री हीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इसे 10 से 15 मिनट के लिए बेक होने देंगे 180 डिग्री पे ही। तो चलिए इसे माइक्रोवेव में लगा देते हैं और सेट कर देते हैं टेम्परेचर, और जब ये बेक हो जाता है फिर उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं कि ये बन के कैसा निकला है। तो ये देखिए बिस्किट्स बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद आप इन्हें ट्रे में से निकाल लीजिए और इंजॉय करिए इन बिस्किट्स को। और बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से ये बन जाते हैं, तो एक बार ट्राई जरूर करिएगा। और अगर आपको ये बिस्किट्स पसंद आए हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।